अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय न्यू अदर व्लॉग। तो आपके भाई ने लिया है न्यू लैपटॉप, जैसा कि आप देख सकते हैं सोनी वालों का अभी ऑन हो रहा है। और इसमें ना विंडो 10 है, विंडो 8 करवाने जानी है, अभी बस निकलने लगे हूँ उसके लिए मैं। ओवरऑल शेप जो आप देख सकते हैं सोनी वालों का है। मैं सोच रहा था एक अच्छा सा लैपटॉप ले लूँ यूट्यूब एडिटिंग के लिए और थंबनेल के लिए, और आज मैंने फाइनली ले लिया है। और ये आप ओवरऑल इसकी शेप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा है सोनी वालों का। बस इसमें विंडो 8 करवा के तो फिर ये रेडी है, फिर इसे यूट्यूब पे लगा देंगे। बाकी लैपटॉप के बारे में बाद में बात करेंगे, रैम जीपी कितनी है। फिलहाल के लिए इसकी विंडो करवा के ले हैं। बाकी फ्रेंड यूट्यूब से मुझे फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। जो लोग पूछते हैं यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं, उनके लिए यूट्यूब से पैसे कमाना इतना आसान है। फिर मुझे यूट्यूब का शौक है, मैं कोई पैसे कमाने इधर नहीं आया, व्लॉगिंग का मुझे शौक है, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। और ये जॉब से मुझे तनख्वाह मिली है, मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ जॉब से कि यूट्यूब के पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। आजकल बंदे से ज़्यादा इन पैसों की कीमत है इस दुनिया में, इस बेवफा दुनिया में। चलो बाकी बातें छोड़ें और निकलती है विंडो करवाने लैपटॉप की। और ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये निकाल लेते हैं बैग से, बैग में इसे रख देते हैं हाथ में। किधर साइकिल पे जाना तो पकड़ के नहीं लेके जा सकता साथ में। उस पैन के निकलते हैं फिर। और ये खड़ी है जी हमारी लैम्बोर्गिनी। ऐसे है दोस्तों, अभी मैं निकलने लगा हूँ और इसकी एक ब्रेक भी टूट गई है, ये आप देख सकते हैं। और एक ब्रेक से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी आगे वाली। और मौसम की बात करें, आज धूप निकली हुई है। बस अभी चलते हैं, आपको भी साथ में थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। इधर तो बिल्कुल हाथ रखने ही नहीं है, एक हाथ से ही आपको व्यू दिखाऊंगा। देखें ग्रीस के सुहाने मौसम। और इस रोड पर जाऊँगा मैं, अमोनिया दुकान है, बहुत खतरा रहता है रोड पर ना, बहुत ट्रैफिक होती है। अभी तो नहीं है इतना, ड्राइव करते हैं और साथ में वीडियो बनाना। स्टैंड ले लूँगा ना साइकिल वाला, फिर बेस्ट हो जाएगा काम। अभी काफ़ी टाइम से इधर खड़ा हूँ, उस पार जाना है तो ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है, क्या करे बंदा। बस दुकान आगे, इस आगे वाली गली में शॉप है, अमोनिया का एरिया है। के बाद ही हम पहुँच गए शॉप पर, और ये शॉप है पाकिस्तानी की 69। वापस आ गया हूँ, वो एक घंटा बता रहे था, कहता वो कह रहा था एक घंटा लगना है विंडो होने में। मैंने कहा चलो इससे बेहतर है मैं घर चला जाता हूँ, कुछ चक्कर लगा के आता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं घर आ गया हूँ, वो कह रहा है एक घंटा लगेगा विंडो होने में, एक से डेढ़ घंटा। मैं कॉल करूँगा आपको, नंबर उससे मैं दे के आ गया हूँ घर, उधर मैं इंतज़ार नहीं इतनी देर कर सकता। ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये सारे दीवार पे, ये सारे हमारी लैम्बोर्गिनी के कमाल हैं। ये आगे भी और इधर भी। तो फ्रेंड्स विंडो करवा ली लैपटॉप की और अभी घर जाने लगे हैं, बाकी इंफॉर्मेशन घर ही इसकी देंगे आपको। चलो टाइम की बात करें तो 7 बज गई अंग्रेज में, और अभी लैपटॉप लेके मैं आ गया हूँ घर, और घर जाके इसे चेक वगैरह करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑन हो चुके हैं, अभी सबसे पहले इसकी रैम जीपी चेक कर लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं कितनी है। इसकी सेटिंग अभी ओपन करते हैं, देखते हैं रैम जीपी और रैम, ये सारा आप देख सकते हैं जी ट्यूटोरियल। इसका नेम वगैरह, प्रोसेसर, रैम, सब कुछ ये उसका डेटा आ गया है, ध्यान से आप देख लेना। और ये स्टोरेज इसकी पड़ी है, काफ़ी अच्छा है, 6 GB रैम है, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले क्रोम में यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब से इसका पता चल जाएगा इसकी स्पीड कितनी है।
YouTube। अपना नेम ही सर्च करते हैं, अपनी वीडियो भी लगाते हैं। ये जी नेम सर्च कर लिए और अभी ये वीडियो अपलोड की है, इसे ही लगाते हैं। इससे साउंड का भी पता चल जाएगा कितना है इसका। मेरी वीडियो फुल HD भी होती है YouTube पे, ये देखें। और ये देखो नेम और नंबर उसने लिख लिया था शॉप वाले ने ना। अभी इतना कुछ इसमें है ही नहीं, सब कुछ उसने जो विंडो की है ना सब कुछ डिलीट हो गया। यही बस तीन ऑप्शन इसमें पड़े हैं अभी फिल वक्त के लिए, सारे बाद में मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा। जिद के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और बैटरी की बात करें, इधर बैटरी और वाईफाई सारा इधर देखती है कितनी है। अब चार्जर पर मैंने नहीं लगाया हो, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे तक बैटरी चल जाएगी, 0.5%। तकरीबन 3 घंटे तो इसकी टाइमिंग होगी बैटरी की चार्जर के बगैर। और अभी कुछ सॉन्ग प्ले करके देखते हैं इसका साउंड कैसा है, कौन सा प्ले करें अच्छा सा, यही प्ले कर लेते हैं। और ये इसके स्पीकर नीचे लगे हुए हैं, दो स्पीकर हैं। ओवरऑल मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी स्पीड, रैम, GPU, सब लिहाज से, शेप के लिहाज से मुझे बहुत पसंद है जी। आपका पता नहीं, आप कमेंट में बता देना। इसका असल मकसद यही था YouTube का स्टूडियो चलाने के लिए, मसलन वीडियो एडिटिंग, थंबनेल वगैरह लगाने के लिए, वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और ये YouTube का एनालिटिक्स है, और इससे ना सारा सही से पता चल जाता है वीडियो कितनी आपकी रैंक कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, व्यू वगैरह, वॉच टाइम, सब इससे आप देख सकती हैं। इसीलिए मैंने लैपटॉप लिया है। और बाकी इसमें विंडो 10 ही करा ली थी, वो कह रहा था लेटेस्ट जो विंडो है ना वो विंडो 10 ही है, 8 ना थोड़ी पुरानी हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा चलो विंडो 10 ही कर दूँ, इससे विंडो 10 को मुझे चलाना नहीं आता, विंडो 8 सही से मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसलिए इसे स्टार्टिंग में देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसका भी पता चल जाएगा। बात ये ऊपर इसका कैमरा लगा हुआ, ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ अपने भाई को इजाज़त दो, टाइम काफ़ी हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लैपटॉप का इंट्रोडक्शन भी आपसे करवा दिया है, और बाकी रही जिंदगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।